करना पड़ेगा। माँ कौशल्या ने कहा बालक बन जाओ, की जय शिशु लीला अति प्रिय सीला, शिशु बन करके बाल लीला करो। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो तुरंत भगवान बालक बन गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा, देवताओं के भूप भगवान बालक बन गए और बालक बन करके रोने लगे। और भगवान जब बालक बन करके रोने लगे तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी और संभ्रम चली आई सब रानी। बालक के रुदन को सुनकर के अन्य माताएं आ गईं। दशरथ जी को पता चला, दशरथ जी परम आनंदित हुए, दौड़े दौड़े आए और इस आनंद को दशरथ जी समेट पाते तब तक सूचना आई कि माँ कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूसरे पुत्र के जन्म का समाचार सुना और आनंद हुआ और उस आनंद को संवरण कर पाते तब तक सेवकों ने आकर के कहा कि छोटी महारानी सुमित्रा ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। चौथी अवस्था में चार पुत्रों के जन्म का समाचार सुनकर, चार पुत्रों को प्राप्त करके दशरथ जी महाराज इतने आनंदित हुए मानो उनको चारों पुरुषार्थ मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इतना आनंद हुआ दशरथ जी महाराज को कि परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद से इतने डूब गए दशरथ जी कि स्वयं दौड़ दौड़ करके कहने लगे, हे बाजा बजाने वाले आओ बाजे बजाओ उत्सव मनाओ। अरे दशरथ जी राजा है ना, और राजा के पास क्या नौकरों की कमी होती, वो किसी सेवक से कह देते कि जाओ बाजा बजाने वालों को बुला के ले आओ, बाजा बजाने वालों को गाने वालों को बुला करके लाओ उत्सव मनाओ। ये काम करने के लिए सेवक नियुक्त किए जा सकते थे, लेकिन इतने आनंद में दशरथ जी डूब गए कि किसी सेवक से नहीं कहते हैं। ये गोस्वामी जी की शब्दावली देखो, गोस्वामी जी की शब्द चातुरी देखो कि दशरथ जी इतने परमानंद में डूबे हैं कि स्वयं उठ करके उन गाने बजाने वालों को बुलाने लगे, आओ आओ और गीत गाओ। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाए बजावो राजा, कहा बुलवाए नहीं, कहा बुलाए, किसी से बुलवाया नहीं, स्वयं बुलाने के लिए दौड़ पड़े। ये दशरथ जी का परमानंद झलक रहा है। परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाए बजावहु बाजा, बाजा बजाने वाले आ गए महाराज, बड़े बड़े कलाकार आ गए। वशिष्ठ जी आए, नांदी मुख श्राद्ध हुआ और नांदी मुख श्राद्ध के बाद बालक का जात कर्म संस्कार हुआ, परमानंद होने लगा। अयोध्या की स्त्रियां, अयोध्या की सीमंतनियां सज सज करके बधाई देने के लिए दशरथ जी महाराज के द्वार पर पहुंच गईं और महाराज अयोध्या में बधाई बजने लगी। आपको एक अद्भुत बधाई, अयोध्या तो यहां से नजदीक है, आप लोग जाते आते रहते, लेकिन रामनवमी के समय में आप अयोध्या जाएं तो मंदिर मंदिर में एक अद्भुत बधाई गाई जाती है हमारे अवध में, जो केवल अयोध्या में ही सुनने को मिलेगी। और उस बधाई से ही फिर बधाई शुरू होती, पहले वही गाई जाती है जो हमारी अयोध्या की प्राचीन परंपरा है। उस परंपरा के अनुकूल पहले उस बधाई का हम लोग गान करेंगे, उसके बाद भगवान की और भी बधाई का आनंद लेंगे। सजनी बेटी बदा हो जाइए।
साजनी मंगल गाइए, सब मिल करके आओ और मंगल गाते हैं, क्योंकि मंगल भवन प्रकट हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सु दशरथ अजर विहारी। दशरथ के अजर में विहार करने वाले मंगल भवन प्रकट हैं, इसलिए सखियां मंगल गाने लगी और दशरथ जी महाराज न्योछावर करने लगे। क्या क्या न्योछावर किया दशरथ जी ने? बोले दशरथ जी ने अपने माल का पूरा कोष ही खाली कर दिया, खजाना ही खाली कर दिया, इतना लुटाया। दान दीन सब काहु, सर्व दान दीन सब काहु, जेहि पावा राखा नहीं ताहु, जेहि पावा सबको सब कुछ दिया दशरथ जी ने।
लेकिन विशेषता क्या थी? बोले अयोध्या में कोई दरिद्र थोड़ी था, जो लिया वो भी अपने पास नहीं रखा। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे ही पावा राखा नहीं ताहू, वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ, और जो पाता है वो तीसरे को दे देता। सर्वस दान दीन सब काहू, जे ही पावा राखा नहीं ताहू। दे तो सबन मंदिर रितये, दे दे करके अपने घर को लोगों ने खाली कर दिया। लेकिन प्रभाव क्या था, लीला कैसी? बोले तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चिते। राम जी की ऐसी कृपा दृष्टि कि लोग लुटा दे रहे हैं और फिर भी घर भरा हुआ है, घर खाली ही नहीं होता। संकेत क्या है? बोले भगवान की सेवा में, धर्म में, परमार्थ में जितना धन लुटाओगे उतना ही धन भरता चला जाएगा। लेकिन ये समझोगे तब, मन को समझाओगे तब, भगवान की सेवा में, परमार्थ में, धर्म में, संत की सेवा में धन लगाने से कभी धन घटता नहीं। जितना लगाओगे उसका चार गुना आएगा। और अवधवासियों ने खूब आनंद से उत्सव मनाया, घर घर में बंदनवार लगाए गए और घर घर बधाई का गान होने लगा और सब सखियां बधाई गाने लगी। आगले में बधैया बाजे, आगले में बधैया बाजे, आगले में बधैया बाजे, 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 आगले में बधैया बाजे, आगले में बधैया बाजे, आगले में बधैया बाजे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, भरत लला झुकी, न्योछावरी श्री भरत लला झुकी, न्योछावरी श्री लखन लला झुकी, न्योछावरी श्री लखन लला झुकी, न्योछावरी श्री शत्रुघ्न लला झुकी, न्योछावरी श्री शत्रुघ्न लला झुकी। ये केवल गीत गाने से काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी की न्योछावर करो। ठाकुर जी के जन्म के अवसर पर रामलला को न्योछावर करना ये परम धर्म है। इस उत्सव का आनंद लें और माताएं और सज्जन सभी लोग ठाकुर जी को जो न्योछावर करना चाहें आते जाएं और आनंद का अनुभव करते हैं। न्योछावर श्री चारों लला झुकी, न्योछावर
जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
दशरथ जी के आंगन में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई, तो सुवारी बधाई ले लो, 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 अरे लाखों बारी बधाई आज बधाई, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई, सौ सौ बार बधाई ले लो, 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 लाख बार बधाई, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के आंगन में बज रही आज बधाई, सा हो गया लोगों हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली, रघुवर हो गया काला हो, कानों कानों बात सुनी है रघुवर हो गया काला, कानों कानों बात सुनी है रघुवर हो गया काला, कानों कानों बात सुनी है रघुवर हो गया काला, दशरथ भी गोरे कुशल्या भी गोरी, दशरथ भी गोरे कुशल्या भी गोरी, दशरथ भी गोरे आज बधाई, कौशल्या जी।
के आंगन में बज रही आज बधाई। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान श्री राम लला जी की आरती और आरती के बाद कथा का विश्राम। चारों भैया की रघुनंदन रघुनंदन चारों भैयन की सखी आरती की जय। रघुनंदन चारों भैयन की सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय सखी आरती की जय। रघुनंदन चारों सहित चारों भैयन की सखी आरती की। शत्रुघ्न सहित चारों भैयन की सखी आरती की। आरती की जय सखी आरती की जय सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय सखी आरती की जय। रघुनंदन चारों भैयन की सखी आरती की जय। रघुनंदन चारों भैयन की सखी आरती। आरती की जय सखी आरती की जय सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय सखी आरती की जय। रघुनंदन चारों भैयन की सखी आरती की जय। रघुनंदन चारों भैयन की सखी आरती की जय। तीजी आरती गंगा मैया की। तीजी आरती सब नदियन की सखी आरती की जय। सजू सहित सब नदियन की सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय सखी आरती की जय। रघुनंदन चारों भैयन की सखी आरती की जय। रघुनंदन चारों भैयन की सखी आरती की जय। आरती की जय सखी आरती की जय। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम् जपनेन जपनमयजं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः।
बोली रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। भाष्कर मनु स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय सीता राम। हेलो।